दोस्तों कैसा आप सब। मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हो फरियाज रिएक्शन। फाइनली इतने वेट के बाद वीवो ने अपना नेक्स्ट ड्यूल या नेक्स्ट टू मैं कह लूँ लॉन्च कर दिया है। चाइना में लॉन्च हो चुका है, प्री बुकिंग इससे स्टार्ट हो गई है और जल्दी ही इंडिया में आने वाला है। ऑफिशियल सारे स्पेसिफिकेशन सब कुछ फोटोज लेके आया हूँ। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें दोस्तों, शुरू करें। तो सबसे पहले अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो फ्रंट में जो आपका पहला जो डिस्प्ले होगा उसमें आपको 6.39 इंच का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले है। 1080x2340 के पिक्सल्स हैं। 19.5:9 का एक आपको एमोलेड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा फ्रंट में। अब अगर इसके बैक डिस्प्ले की बात करूँ रेयर की, तो उसमें आपको 5.49 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। 1080x1920 के पिक्सल्स हैं और 16:9 सुपर एमोलेड आपके अलॉट डिस्प्ले के साथ ये आता है। तो काफ़ी अच्छा है, आपको दो दो स्क्रीन देखने को मिलेंगे। प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें बहुत ही पावरफुल स्नैपड्रैगन 845 SoC का प्रोसेसर है। 10 GB की रैम और 128 GB आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और 256 GB तक ये एक्सपेंडेबल है। कैमराज की बात करूँ तो फ्रंट में कोई भी कैमरा नहीं है। रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 12+2 प्लस जो आपका तीसरा कैमरा है वो है एक TOF 3D स्टीरियो कैमरा। अब बहुत से लोग शोरूम में सेल्फी कैसे लेंगे, तो बहुत इजी है, आपका जो पीछे का ही कैमरा है वही आपका सेल्फी कैमरा। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका ड्यूल स्क्रीन है, पीछे भी स्क्रीन है। अब आप ये सोच सकते हो अगर आप पीछे के ही तीनों कैमरा से सेल्फी लोगे या कुछ भी करोगे तो आपकी सेल्फीज या जैसा भी फोटोज आएंगे वो कितने अल्टीमेट आ सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कैमरा के ऊपर एक छोटी सी रिंग है, वो एक ल्यूनर रिंग इन्होंने कहा है। इसमें आपको RGB लाइट देखने को मिलेंगी जो कि आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से आपको कौन सी लाइट किस टाइम पे चाहिए। और इसमें आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली बस आपको पीछे ऐसे स्क्रीन करना और आपकी तीनों कैमरास देखने को मिले। बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी मिलेगी। 22.5 वोल्ट के फास्ट चार्ज के साथ ये आता है। USB टाइप सी इसमें आपको देखने को मिले। प्लस जो लोग सोच रहे थे इसमें 3.5 mm जैक नहीं होगा, इसमें 3.5 mm जैक भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा अगर आप वीवो ने की ये चीज़ उन्होंने दी है। साथ ही साथ अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो उसमें आपको 9.1 पाई देखने को मिलेगा। और अगर इसके खुद के OS की बात करूँ तो इसमें आपको फन टच OS 4.5 देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 52,300 जो ये वहाँ लॉन्च हुआ है चाइना में। तो देखा जाए तो हमारा लास्ट टाइम भी जो वीवो नेक्स आया था 48,000 के आसपास का था। तो ये भी आपको ड्यूल स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है, इतनी चीज़ें दे रहा है, तो इतना प्राइस तो इसका भी थोड़ा बनता है। लेकिन हालांकि मुझे लगता है इंडिया में आता थे शायद इसका 50,000 तक ये प्राइस हो जाए। अब बात करूँ अगर अवेलेबिलिटी की तो ये चाइना में तो लॉन्च हो गया है, प्री बुकिंग शुरू हो गई है। 29 दिसंबर को वहाँ पे मिलना है लोगों को, शुरू हो जाएगा। और इंडिया में आई गेस जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करिए। कोई भी क्वेश्चन है वहाँ जाकर मुझे क्वेश्चन करिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। दोस्तों कल मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।